राज किरण होटल लोनावला महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जिसका नाम है लोनावला हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन अपनी सुंदरता के लिए सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस है। पर इसकी सुंदरता के अलावा लोनावला में एक और ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि पूरे इंडिया में फेमस है, और वो है यहाँ का राज किरण होटल। ये होटल लोनावला के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सुंदर है बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं हुई है जो कि सच में अनबिलीवेबल है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि इस होटल से रात को एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। असल में इस होटल के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है। तो चलिए सबसे पहले इस होटल के पास्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इस होटल में भूतिया घटनाएं तब से शुरू हुई जब यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और गेस्ट का ये दावा करना था कि इस होटल में कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और पैरानॉर्मल शक्तियों का बसेरा है। इस होटल में आने वाले गेस्ट का ये कहना था कि रात को उन्हें बहुत घुटन सी महसूस होती है और एक औरत की हंसने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। धीरे धीरे इस होटल के भूतिया घटनाओं के किस्से पूरे लोनावला में फैलने लगे और यहाँ पर आने वाले लगभग हर एक गेस्ट का ये कहना था कि इस होटल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वहाँ के गेस्ट ने इस होटल के ऑनर को इसके बारे में कंप्लेन की। पहले तो होटल के ऑनर ने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ज़्यादा लोगों के कंप्लेंट्स को देखकर होटल के ऑनर ने एक पैरानॉर्मल रिसर्चर को वहाँ पर बुलवा ही लिया। वो पैरानॉर्मल रिसर्चर वहाँ पर 2 दिनों तक रुका और अपनी रिसर्च की, और अपनी रिसर्च के दौरान उसे यह पता चला था कि इस होटल में किसी एक औरत की आत्मा का बसेरा है। इस बात को सुनकर उस होटल का ऑनर बहुत चिंता में पड़ गया और अपने होटल की चिंता उसको खाए जा रही थी। पर उसने एक फाइनल डिसीजन लिया और इस होटल की अच्छे से जांच करने के लिए उसने यहाँ पर एक बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर और उसकी एक छोटी सी टीम को बुलवाया। ये पैरानॉर्मल रिसर्चर और उनकी टीम यहाँ पर कम से कम 1 हफ्ते तक रुकी थी, और अपनी 1 हफ्ते के रिसर्च के बाद उस टीम ने ये एक फाइनल कंक्लूजन निकाला कि उस होटल में ज़्यादातर भूतिया घटनाएं सिर्फ एक रूम में होती है, और वो रूम इस होटल के रिसेप्शन के ठीक पीछे मौजूद था। उस टीम ने बताया कि इस होटल में किसी भी रूम के मुकाबले उस रूम में सबसे ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती थी। जब वो पैरानॉर्मल रिसर्चर और उसकी टीम उस रूम में रात को सोते थे तब उनका चादर कोई एक अनजान शक्ति आके खींचती थी। उन रिसर्चर्स का ये भी कहना था कि उन्होंने रात को इस रूम के मिरर में कुछ अजीबोगरीब और डरावनी परछाइयाँ भी देखी थी, और सबसे डरावनी चीज़ तब पता चली जब सारे रिसर्चर्स ने ये बताया कि वो रात को सोते समय जो भी सपना देखते थे उसमें से एक कॉमन पॉइंट निकल कर आता था, और वो ये था कि एक औरत उनके सपने में आती थी और उन्हें इस रूम को छोड़ने पर फोर्स करती थी। अब खैर जो भी हो, पर उन रिसर्चर्स ने उस होटल के ऑनर को बस एक ही एडवाइस दी कि उस रूम को पूरी तरह से चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए। फिर क्या था, उस होटल के ऑनर ने उस रूम को चारों तरफ से हमेशा के लिए लॉक कर दिया, और उस दिन के बाद से उस रूम में आज तक कोई नहीं गया है। और रही बात होटल की, तो वो होटल आज भी वैसा ही एक्टिव है जैसा कि पहले होता था। आज भी उस होटल में कई सारे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर एक रूम बुक करके रहते हैं, सिवाय उस हॉन्टेड रूम के। उस हॉन्टेड रूम में वो औरत कौन थी और उस औरत की आत्मा उस रूम तक कैसे पहुँची थी ये तो किसी को नहीं पता था। पर जो भी हो, ये होटल आज पूरी तरह से एक्टिव है और यहाँ पर आज भी लोग जाते हैं और रूम बुक करके वहीं पर रहते भी हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि अगर आपको कभी लोनावला जाने का मौका मिला तो क्या आप इस होटल को विजिट करना पसंद करेंगे। खैर जो भी हो, पर अगर आपको और भी ऐसे ही हॉन्टेड हाउसेस के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।